हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक्स के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि रॉयल एनफील्ड जो है ना अपने बहुत सारे न्यू मॉडल्स पे वर्क कर रहा है। उसकी स्पाई इमेजेस जो है वो न्यूज़ और सोशल मीडियाज में आपको दिखी जाती होंगी। बट दोस्तों 250 से लेकर 838 सीसी तक के इंजन पे रॉयल एनफील्ड जो है वर्क कर रहा है। वो कौन कौन से मॉडल हैं वो तो कवर करेंगे ही, साथ में कब लॉन्च होने वाले हैं, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाले हैं, किस फीचर्स पर लॉन्च होने वाले हैं, ये सारी डिटेल भी इस वीडियो मिलने वाली है। तो आपको इस वीडियो को आखिर जरूर देखना। अगर आप प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर न्यू बाइक बाय करने का, या फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कौन से मॉडल आने वाले हैं वो आपका जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। दूसरे नंबर वन पे है रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 350 मॉडल। एंड इस मॉडल का वेट तो दोस्तों बहुत सारे राइडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन न्यूज़ हो या फिर बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इसके बारे में डिटेलिंग कवर कर रखा है। इवन मैंने भी इस बारे में बहुत अच्छी डिटेलिंग कवर कर रखी है। आई बटन पे आ रही होगी, जिसमें कि आपको इसके इंजन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके सीटिंग के बारे में और क्या क्या इसमें एड ऑन किया गया है वो सारी डिटेलिंग भी दी हुई है। तो आप जाके देख सकते हैं, डेप्थ में आपको डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो में अभी जो कवर करने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट। दोस्तों लॉन्च डेट जो था वो अप्रैल के आसपास ही होने वाला था, जब BS6 में मॉडल आने वाला था। बट दोस्तों डिले हुआ है COVID-19 के वजह से, जिससे कोरोना वायरस जो है वो अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से डिले जो है किया हुआ है। एंड इस मॉडल का जो लॉन्च है अभी कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास में हो सकता है, अगर सिचुएशन सही रहा तो। बिकॉज आपको मालूम है मल्टीपल सिटीज में लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा लॉन्च है डिले किया हुआ। अब इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करते हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है एक्सोरूम प्राइस जो कहा जा रहा है 1.70 कहा जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 170 जो है वो क्लासिक का ही है। दोस्तों ये जो मॉडल है फीचर्ड मॉडल है, इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा R&D किए हुए रॉयल एनफील्ड ने। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस होगा 190 या 2 लाख के आसपास में ही एक शोरूम प्राइस होने वाला है। बट लेट्स सी, एक बार मॉडल आया तो फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कि मॉडल का प्राइस कितना होगा। दोस्तों नंबर टू पे है रॉयल एनफील्ड का नेक्स्ट जेन क्लासिक 350 मॉडल। इस मॉडल का जो नाम है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसलिए क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन मॉडल ही कहा जा रहा है। एंड दोस्तों इस मॉडल का भी बहुत सारे राइडर वेट कर रहे हैं, बिकॉज रेट्रो लुक के साथ में न्यू फीचर्स जो है रॉयल एनफील्ड इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो आपके लॉन्ग शॉट राइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि डिस्प्ले जो है इसका सेमी डिजिटल कंसोल रहेगा इसका दोस्तों, और इंजन फॉर्मेट जो है SOS इंजन फॉर्मेट जो है वो आने वाला है, जिससे कि आपका जो पिकअप है, स्पीड है, थोड़ा इंक्रीज होगा, अच्छा मिलेगा आपको। एंड कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलने वाला है, जो राइडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ में आप देखेंगे टेल लाइट भी चेंज है, एग्जॉस्ट भी जो नोट होगा वो भी चेंज होगा, एग्जॉस्ट का साउंड जो है वो भी टोटली चेंज होने वाला है। अलॉय व्हील, ट्यूबलेस, ये सारे फीचर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं, जो एक राइडर को नीड होता है, एक यंगस्टर जो नए राइडर्स हैं ना उनको एक्चुअल में चाहिए इस मॉडल में। तो दोस्तों ये जो मॉडल है इसका एक्सपेक्टेड अगर प्राइस की बात की जाए तो 1,80,000 टू 1,90,000 के आसपास में होने वाला है। दोस्तों ऑनलाइन जो मीडिया है उसमें थोड़ा सा प्राइस जो है कम कहा जा रहा है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 1,80,000 टू 1,90,000 के आसपास रहने वाला है। एंड जो इसका लॉन्चिंग डेट की बात करें, ये मॉडल आपको मीटियोर के बाद में मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आप मालूम है कि मीटियोर में भी डिले हो रहा है, तो इस मॉडल में भी सेम डिले होने वाला है, बिकॉज ये मॉडल भी जो है ये नवंबर के आसपास में आने वाला था। बट दोस्तों अब जो है ये 2021 में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि है मार्च अप्रैल के आसपास। दोस्तों नंबर तीन पे है रॉयल एनफील्ड का 650 cc क्रूजर। एंड इस मॉडल का भी बहुत ज़्यादा वेट किया जा रहा है, KX बॉबर कहा जा रहा है इस मॉडल को। एंड दोस्तों इसका सिटिंग पोजीशन अगर आप देखेंगे वो भी लोअर साइड में है, ट्विन पैरेलल इंजन है दोस्तों, डबल एग्जॉस्ट के साथ में आ रहा है, रेयर टायर जो है ब्रॉड है। कई लोग बोल रहे हैं कि बेल्ट ड्राइव है, बट बेल्ट ड्राइव नहीं है और ना ही ये मीटियोर है। मीटियोर डिफरेंट मॉडल है एंड ये जो मॉडल है डिफरेंट है। अभी इसका नाम जो है वो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं हुआ, बिकॉज अभी तो सिर्फ स्पाई इमेजेस ही मार्केट में आई हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। USD फोक्स देखने को मिल रहा है, जो अभी तक रॉयल एनफील्ड ने अपने मॉडल किसी भी मॉडल में नहीं दिया। इवन जो 650 ट्विन है, जो उसका टॉप मॉडल है, उसमें भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब इसका प्राइसिंग एंड फीचर्स जो होने वाले ना वो थोड़ा हायर साइड में होने वाले हैं। मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं कि हारी डेविडसन को टक्कर देने वाली बाइक हो सकती है इंडियन मार्केट में। एंड दोस्तों सही में इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है और हैवी लुक दे रही है, फ्रंट से लेके एंड तक अगर देखा जाए तो अच्छा लुक दे रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी दी हुई हैं, जैसे कि डिस्प्ले की बात की जाए या फिर बात करें इसके रेट्रो क्रूजर लुक के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मॉडल लग रहा है। बट मॉडल मार्केट में आए उसके बाद ही आइडिया होगा कि मॉडल एक्चुअल में कैसा है। अगर इसके लॉन्च की बात की जाए दोस्तों 2021 में मिड के आसपास में कहा जा रहा है कि ये मॉडल जो है लॉन्च होता है। अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो 3.5 टू 4 लाख आराम से होगा, बिकॉज अभी भी आप जो करंट मॉडल देख रहे हैं 650 cc के, वो 3.25 के आसपास, लैक्स के आसपास जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मॉडल अगर फुली लोडेड हुआ तो इसके प्राइसिंग जो है
3.5 to 4 lakhs आराम से जाएगा। दोस्तों नंबर फोर पे है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 650cc मॉडल। दोस्तों इस मॉडल को ऑनलाइन मीडियाज न्यूज चैनल्स ने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ है कि दोस्तों रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो है 650 में जरूर लॉन्च होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का 650 इंजन जो है सक्सेसफुल रहा भी है एंड दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस पिकअप भी दे रहा है और फीचर्ड भी इंजन है। तो दोस्तों ये इंजन जो है हिमालयन में पहले आने वाला है। दोस्तों हिमालयन में नीडेड भी है बिकॉज मैक्सिमम राइडर्स जो हिमालयन बाय करते हैं वो पर्पस के लिए लेते हैं, जैसे जो लॉन्ग राइड करते हैं, जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं वो हिमालयन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों अगर उसमें पावर दे दिया जाए, अगर 650cc का इंजन दे दिया जाए तो दोस्तों वो फिर बाइक जो होगी बवाल हो जाएगा, धमाका बन जाने वाली है, जिसमें कि आपको पावर, परफॉर्मेंस, फीचर्स और कंफर्ट ऑन रोड ऑफ रोड एक मिनी एडवेंचर बाइक जो आपको मिल जाएगा। अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो ये 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में ही रहने वाला है एंड दोस्तों इसकी लॉन्च डेट की अगर बात की जाए तो ये आपको 2021 के आसपास में, मिड के आसपास में ही देखने को मिलेगा अगर सिचुएशन मार्केट की सही रही तो। दोस्तों नंबर फाइव पे है रॉयल एनफील्ड का 250cc मॉडल। दोस्तों ऑलरेडी जो है ऑनलाइन न्यूज़ मीडियाज ने जो स्पाई इमेजेस जो है, जो रॉयल एनफील्ड की टेस्टिंग जो स्पाई इमेजेस है शो कर रखी है कि दोस्तों इस पर ऑलरेडी जो 250cc इंजन है उस पर रॉयल एनफील्ड वर्क कर रहा है ताकि इकोनॉमिक मॉडल जो है वो क्रिएट कर सके। कई सारे जो ऑनलाइन न्यूज़ मीडियाज हैं इसको रोडस्टर या फिर हंटर बोल रहे हैं, बट अभी जो है नेम जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। दोस्तों अभी इसमें सिर्फ जो कोडिंग दी हुई है J1C कोडिंग इस मॉडल को दिया हुआ है, अभी नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, बट जो प्राइसिंग है वो टोटली इकोनॉमिक होने वाला है। इंजन फॉर्मेट पे अभी पूरा डिटेल नहीं है इस पे, तो जो प्राइसिंग होने वाली है 1,25,000 से लेके 1,50,000 के बीच में ही होने वाली है, जिससे कि एक यंगस्टर्स के लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट किया जा सके। एंड दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट था 2020 में ही होने वाला था, बट अभी 2021 में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो 2021 में आपको मार्च अप्रैल के आसपास में देखने को मिल सकता है इसका मॉडल का लॉन्च, अगर सिचुएशन मार्केट का सही रहा तो ये उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको टेंटेटिव आइडिया हो चुका होगा प्राइसिंग को लेके, लॉन्च डेट को लेके और फीचर्स को लेके भी। दोस्तों आई बटन पे आप जरूर क्लिक करेगा, वहाँ पे भी इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखी है हर एक मॉडल पे, तो वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम डिटेल मिल जाएगी कौन से मॉडल आने वाले हैं, किस फीचर के साथ में आ रहे हैं, किस प्राइसिंग के साथ में आने वाले हैं। दोस्तों ड्यू टू कोरोना वायरस जो बहुत सारे लॉन्च डेट है ना वो डिले हो चुके हैं, वो डिले कितने हुए हैं उसका एक टेंटेटिव अनुमान ही लगा सकते हैं, बिकॉज अब ये कोरोना वायरस कब तक जाएगा उस पर डिपेंड करता है और मार्केट सिचुएशन क्या होगी उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों आपको कौन सा बेस्ट पिकअप है इन मॉडल में से, इन टॉप फाइव में से कौन सा आपको बेस्ट लगता है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। यहां वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।